खुशियों का त्योहार है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, माँ लक्ष्मी की पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रशंसा और आप सभी को बंसल न्यूज की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार हो और शॉपिंग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और ऐसे में हम आ पहुंचे हैं बाजार में ये देखने के लिए कि दिवाली के इस खास मौके पर क्या कुछ है मार्केट में खास। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं इस बार बाजार में क्या कुछ है खास। दिवाली के दीप जले, रोशन हो आपका घर संसार, पूरे हो आपके हर अरमान, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो अपरंपार। ऐसे में हम राजधानी भोपाल के बाजार में मौजूद है, जहाँ पर बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। हर एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे दीपों की हम बात कर ले, क्योंकि रोशनी का त्योहार है, दिए की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, घर के साज सजावट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बाजार गुलजार है। और ये देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली के त्योहार पर, और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक सुंदर ये मूर्तियां हैं। हर एक साइज की छोटी बड़ी मूर्तियां आप देख सकते हैं, और हर साल इसी तरीके से भरमार वैरायटीज माँ लक्ष्मी की मूर्तियों में देखने को मिलती है। लोग जो है शॉपिंग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी जरा पूछताछ करेंगे कि क्या आखिरकार खरीद रहे हैं, इस बार किस तरीके की दिवाली जो है सेलिब्रेट करना चाहती है। मैम, क्या खरीदारी कर रहे हैं? अभी तो आए हैं, मार्केट तो अभी लगा है, तो देखते हैं। दिया लेंगे, दीपों का त्यौहार है, दिया खरीदा जाएगा, लक्ष्मी गणेश जी लेंगे और धनतेरस की और मिठाइयाँ और दीपावली की सारी तैयारी। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। तो देखिए, मैं कैमरा पैन से चाहूंगी जरा यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से आकर्षक मूर्तियां यहाँ पर बाजारों में आई हुई है। आप देख सकते हैं हर एक साइज की छोटी बड़ी आकर्षक सुंदर मनमोहक दिखे ये जो मूर्तियां हैं वो आई हैं, क्योंकि हर साल इसी तरीके से बाजार सजते हैं, रौनक बढ़ जाती है बाजारों की, गुलजार हो जाते हैं बाजार की। आकर्षक और सुंदर मनमोहक यहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्तियां आई हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो पूजा सामग्री है वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए, दीपों का ये त्यौहार होता है, जिस तरीके से दिवाली का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार होता है, और हर एक का जन जो है दिवाली के त्यौहार पर दीपों का त्यौहार मनाते हुए यहाँ पर खरीदारी करता है। मैं यहाँ पर चाहूंगी कि यहाँ पर भी जरा तस्वीरें दिखाइए, देख सकते हैं आप, सुंदर और काफी ज्यादा आकर्षक हर एक साइज के दिए मार्केट में आए हुए हैं। देखिए, हर बार इसी तरीके के दिए आते हैं, आप यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे तो बड़े दिए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आकर्षक डिजाइन वाले छोटे दिए हैं, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सुंदर मिट्टी के दिए आप देख सकते हैं। भैया, इस बार किस तरीके के दिए पसंद कर रहे हैं? इस बार लोगों के डिजाइन वाले पसंद कर रहे हैं, और आप इस टाइप के देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा बिक्री किन दियो की हो रही है? सबसे ज्यादा नॉर्मल और डिजाइन वालों की बिक्री हो रही है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक बार जरा ये दिए दिखाइए किस तरीके के दिए हैं और सबसे ज्यादा कौन से लोग पसंद कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वाले दिए ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं, और ये इस टाइप के हो गए। तो ये छोटे और काफी ज्यादा सुंदर दिए जो बताए ये लोग पसंद कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे मार्केट में, जो कि शॉपिंग करने के लिए लोग पहुंचे, उनसे पूछेंगे क्या ले रही है। मैडम, क्या ले रही है? दिए ले रही हूँ। इस बार की दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं? सिंपल तरीके से कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ धमाके के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकान है वो पूरी तरीके से सज चुकी है, क्योंकि धनतेरस पर खरीदारी का महत्व होता है, और यहाँ पर घर की साज सज्जा के लिए हर एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि घर की साज सजावट विशेष तौर पर दिवाली पर की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लटकन है, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग भरमार, और लोग बड़ी संख्या में पहुँच भी रहे हैं खरीदारी करने के लिए, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की खरीदारी कर रहे हैं, जो कि शॉपिंग कर रहे हैं। पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कुछ लोग से। क्या नाम है? नबील। क्या खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी नहीं, मैं तो दुकान मालिक। चलिए, तो ये दुकान मालिक है, जो कि बताएंगे कि इस बार क्या कुछ खास है, क्या वैरायटी आई हुई है, इस बार क्या कुछ पसंद कर रहे हैं? हैंगिंग ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस साल, तोरण का कम वो है सेलिंग। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से लोग पसंद कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, क्या खरीदारी करने के लिए पहुंचे? ये देखिए, दिए हुए ले लिए हमने, कुछ दिए हुए के और कुछ सजाने वजाने के सामान लेने आए हुए हैं। देखिए,
सभी अपने घर को सजाना चाहते हैं क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है, एक महीने से पहले साज सजावट शुरू हो जाती है और बाजार में भरमार देखने को मिलती है घर की साज सजावट के लिए। यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर दियों की और वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ सिंपल दिए हैं, तो इस तरफ आप देखेंगे कि जो दिए हैं वो बेहद ही आकर्षक है, मनमोहने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि जिसको जो पसंद आ रहा है वो अपने हिसाब से ले रहा है। तो इधर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये देखिए घर की साज सजावट के लिए जो सर्किट लाइटिंग होती है उसकी भी यहाँ पर भरमार है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो आगे बढ़े और यहाँ पर दिखाए, देखिए घर की साज सजावट दिवाली पर विशेष तौर पर की जाती है और साज सज्जा के लिए आप देखिए ये झूमर, ये लटकन, ये आपके घर को और भी ज्यादा सुंदर बनाएगी, आकर्षक बनाएगी क्योंकि दिवाली के पर्व के एक महीने पहले से शुरुआत हो जाती है और घर की शोभा को ये लटकन, ये लाइटें बढ़ाती है और ऐसे में बाजार में भरमार है इन सुंदर और आकर्षक चीजों की। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खरीदारी करने के लिए आई है और किस तरीके से इस बार दिवाली सेलिब्रेट। अब तो हम लोग का ऐसा उम्र है कि बच्चे आते हैं दिवाली पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग उसी का इंतजार करते हैं। घर की साज सजावट के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा भरमार है, आपको क्या पसंद आया इस बार, किस तरीके से मार्केट में चीजें आई है? हाँ, ये एक नया चीज आया है, ये पानी वाला दिया, इसमें आप पानी डालो, ये वाला, इसमें पानी डालो तो ये जलता है, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो कहीं पे रखो तेल वेल का झंझट नहीं, और ठीक है थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन कम से कम यूज होता रहेगा और तेल से जो गंदगी होती है कभी कभी गिर जाता है, कुछ होता है तो उससे अच्छा है। बिल्कुल, ये जो दिया है इस बार मार्केट में खास आया क्योंकि हम देखते हैं तेल वाला जो दिया होता है कई बार वो नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप पानी भरिए उसके बाद ये दिया जल जाता है, काफी ज्यादा सहूलियत इससे होती है। और भी आगे बढ़ती हूँ, कुछ और तस्वीरें, कुछ मनमोहक नज़ारे आपको दिखाएंगे क्योंकि देखिए बाजार गुलजार है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर एक वेराइटी दियो की आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कमल के तौर पर इसको विशेष रूप से सजाया गया है और ये तस्वीरें बेहद ही ज्यादा मनमोहक, रंग बिरंगे दीपों से जगमग हो आपका आंगन और आपके आंगन को जगमग करने के लिए इस वक्त बाजार में वैरायटीज मौजूद है दियों की, अलग अलग वैरायटीज के दिए हैं जो कि हम देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके की वैरायटीज है। तो देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाले दिए जो हैं वो आए हुए हैं कुछ खास है इस बार। इधर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के दिए हैं, यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन से दिए इस बार खास है। भैया इस बार सबसे ज्यादा बिक्री किन चीज़ों की हो रही है और इस बार दियों में क्या कुछ खास? ये गोबर के दिए सबसे ज़्यादा बढ़िया, ये हाथों से बने हुए हैं इस टाइप के, और एक सेंटेड कैंडल है ये बहुत ज़्यादा बिक रही है। बिल्कुल, इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि इसमें खुशबू वगैरह है, सेंटेड है, और ये क्या हाथ से बने हुए हैं दिए है, अच्छे बढ़िया गोबर के बने हुए। एक तो ये देखिए गोबर के बने हुए ये दिए हैं इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खास हो जाते हैं, हैंडमेड ये हैं और इनकी खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। बच्चों ने खास तौर पर इसको बनाया है, इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो और साज सजावट के लिए भी कई चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो कमल जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है माँ लक्ष्मी को, उनको चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप घर की साज सज्जा करना चाहते हैं तो इन कमल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रंग बिरंगी लाइट घर की साज सजावट में और भी ज्यादा चार चांद लगा देती है और बाजार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरमार है सर्किट्स की, लाइटों की, क्योंकि ये जो लाइट है आपके घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ खास है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं। भैया इस बार क्या कुछ खास है दिवाली पर, अलग अलग वेराइटीज आती है, इस बार सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की? मैम एक ये वेराइटी आई है फैंसी में, मंदिर के हिसाब से तो लोग मंदिर के डेकोरेशन के लिए ले रहे हैं, प्लस बाहर का जो आउटडोर गेट होता है उसमें इस टाइप का पैटर्न लगा रहे हैं, तो इस टाइप का फैंसी आइटम जो है इस बार मार्केट में अच्छा चल रहा है, इसमें डिमांड आ रही है ज़्यादा। बिल्कुल, तो देखिए इंडोर आउटडोर के हिसाब से लोग जो है वैरायटीज ले रहे हैं और क्योंकि देखिए दिवाली का त्यौहार हो, घर की साज सजावट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी देखिए ये लैंप है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लैंप की डिज़ाइन में ये सर्किट है, इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे पत्तों की डिज़ाइन इसमें है। यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर स्टार आप देख सकते हैं सर्किट में, यहाँ पर बल्ब आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर भी स्टार देख सकते हैं, ये खूबसूरत से लैंप है और अलग अलग वैरायटीज़ भरमार आपको इस बाज़ार में देखने को मिलेगी।
दिवाली का त्योहार आया, खुशियों की बहार लेकर आया। लोग जो है बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम बर्तन की शॉप पर मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बर्तन की खरीदारी करने के लिए, क्योंकि दिवाली हो शॉपिंग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बर्तन की दुकान में हम मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार की दिवाली कैसे मनाने वाले, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हुए क्या खरीदारी कर? कुछ नहीं, अभी तो कुकर लिया है और ये गर्म करने का, ये लिया हुआ पानी गर्म करने का। मैडम आप क्या खरीदारी कर? मैम वही जो सर बोल रहे हैं वही लिया है हमने। बिल्कुल, तो देखिए बर्तनों की विशेष तौर पर खरीदारी की जाती है। हालांकि चांदी, ज्वेलरी ये सब भी खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन बर्तनों की दुकान पर खासा भीड़ देखने को मिलती है। खासकर गृहिणी महिलाएं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रहती हैं कि क्या आखिरकार खरीदा जाए, और दिवाली के पर्व का विशेष तौर से इंतज़ार किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर कप के सेट्स खरीद रहे हैं, कुछ बर्तन, कुछ कुकर खरीद रहे हैं। तो बर्तनों की दुकान पर भरमार है बर्तनों की, और इस बार क्या कुछ खास है, ग्राहक क्या कुछ पसंद कर रहे हैं ये जानेंगे। हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की, और जी इस बार क्या कुछ पसंद कर रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा वैरायटीज क्या कुछ आई, क्या कुछ नया? वैरायटी तो कोई खास नहीं है, थोड़ा कम है, और एक्चुअली थोड़ा परचेजिंग भी कम है, बाकी ठीक है, अच्छा ही चल रहा है। अभी तो दो एक दिन से थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़ रही, क्राउड बढ़ रहा है, और ये थोड़ा चुनाव उनाव के माहौल की वजह से थोड़ा सा मार्केट स्लो है, और ऑनलाइन की वजह से भी है क्योंकि रेट में थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, बाकी ठीक है। वो तो ईश्वर, आप कह रहे हैं रेट में वेरिएशन हो रहा है तो आप क्यों नहीं डिस्काउंट दे देते, आपकी तरफ से कोई? एक्चुअली हमें ऊपर से महंगा माल आएगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे, ये बात ठीक है। ठीक है, तो देखिए वैरायटीज तो बहुत है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से पहुँच रहे हैं। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ दुकान पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हर एक जगह आप देख सकते हैं वैरायटीज है हर एक चीज़ की, चाहे बर्तनों की हम बात कर ले या फिर घर के साथ सजावट की कोई भी चीज़ हो। तो राजधानी भोपाल के बाजार गुलजार है धनतेरस पर, और आगे जो है भीड़ और भी ज़्यादा बाजारों में बढ़ेगी, क्योंकि भाई त्यौहार दिवाली का है और शॉपिंग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। जब बात त्यौहार की आती हो और बात मिठाई की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी मौका हो दिवाली का जब मिठाइयों की भरमार होती है मार्केट में भी घरों में भी। इस वक्त आप देख सकते हैं बाजार गुलजार है, मिठाइयों की भरमार है और अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ आ रही हैं। अपने अपने हिसाब से लोग पसंद करते हैं मिठाई और ख़रीदारी करते हैं, जमकर खूब शॉपिंग होती है। एक तरफ जहाँ कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, बर्तनों की शॉपिंग करते हैं, तो देखिए मिठाई से भले ही किसी को परहेज हो, किसी को डायबिटीज़ हो या फिर कुछ और बीमारी हो, लेकिन आजकल अलग अलग वेराइटीज़ की मिठाइयाँ भी बाज़ार में मौजूद हैं। और देख सकते हैं आप बाज़ार में अलग अलग मिठाइयाँ, ये आप लड्डू देख सकते हैं, होममेड ये लड्डू जो कि घरों में भी बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग तरीके की मिठाइयाँ, नीचे आप देखेंगे तो लड्डू हैं। तो देखिए दिवाली का त्यौहार जब रहता है तो हर कोई जो भी आपके घर में आता है उसका मुंह मीठा आप ज़रूर करवाते हैं, और इसलिए आप बाज़ार में देख सकते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो मिठाइयों में इस बार क्या कुछ खास है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं ये जानेंगे, क्योंकि मिठाइयाँ खरीदने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम सरोज राय है। इस बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना चाह रही हैं और क्या खरीदारी करेंगी? मैडम काजू किशमिश कतली, काजू कतली सारी मीठी स्वीट्स बहुत पसंद है मुझे, इसीलिए मेरे घर में स्वीट्स का ज़्यादा रहेगा, नमकीन भी रहेगा, पर ये मुझे स्वीट बहुत पसंद है। और धनतेरस पर क्या कुछ और खरीदा? मैंने गोल्ड का सिक्का खरीदा है। और दिवाली पर कुछ विशेष संदेश देना चाहती हूँ? हाँ, यही खुशियों का त्यौहार है, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, सभी लोग अच्छी तरीके से मनाएंगे तो बहुत खुशी होती है। देखिए यहाँ पर स्वीट्स खा भी रही, खरीदारी भी कर रही, यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी मौजूद है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई है, उससे भी जानेंगे कैसे दिवाली सेलिब्रेट करें। बेटा कैसे दिवाली सेलिब्रेट? डेकोरेशन करके और पटाखे फोड़ के। मिठाई आपको पसंद है ये? हाँ। मिठाई में क्या खरीदने आए हो? काजू कतली। देखिए बच्ची को भी काजू कतली पसंद है और काजू कतली खरीदने के लिए आई है, तो इसी तरीके से और क्या कुछ वैरायटीज़ हैं, क्या कुछ खास है वो भी जानेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कुछ और लोग हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं और मिठाई खरीद रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं ज़रा। मैडम क्या खरीदारी करना है? मिठाई नहीं, हम तो ड्राई फ्रूट। ठीक है अंकल, अच्छा मिठाई नहीं खाती है तो ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, इससे जो है कवर अप ज़रूर करेंगी। और अंकल भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या खरीदने आए। अंकल क्या खरीदा? हम तो बस ड्राई फ्रूट ही खरीदते हैं,
मिठाई खाना बंद कर दिया। हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं। तो दिवाली पर देखिए वैरायटीज तो होती है, भरमार होती है, लेकिन लोग अपने हिसाब से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, जो उनको पसंद है, जो उनको सूटेबल लग रहा है। हेल्थ कॉन्शियस भी है कुछ लोग, तो उस हिसाब से खरीदारी मार्केट में कर रहे हैं। तो दिवाली का त्यौहार खुशी और रोशनी का त्यौहार होता है, ऐसे में ये त्यौहार आपके जीवन में भी खूब खुशियाँ और रोशनी लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप विश्वकर्मा के साथ मैं प्रशंसा पाठिया, बंसल न्यूज़ भोपाल।